मलिक हमारे साथ मौजूद है नॉर्दर्न के 96 रन की इनिंग्स के लिए. उन्होंने इससे पहले डबल 100 भी स्कोर कर चुके हैं इस सीजन में नॉर्दर्न की नुमाइंदगी करते हुए. क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं. पहला क्वेश्चन जी साहब, लास्ट सीजन में भी आपको देखा आप कंसिस्टेंटली ना सिर्फ 40 में बल्कि 100 में भी परफॉर्म कर रहे हैं. इस सीजन में भी आप परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, क्या वजह है, कैसी है ऐसी मोटिवेशन आपको मिली जिससे आप इतना परफॉर्म कर रहे हैं? बिल्कुल, लास्ट ईयर भी अल्लाह का शुक्र है मैंने 4 वनडे में 416 रन किया था. परफॉर्मेंस मेरी लास्ट सीज़न भी बहुत अच्छी रही है. बस अल्लाह का शुक्र है, यही है कि अपने सीनियर्स प्लेयर्स को देखता हूँ वो जिस तरह से खेलते हैं, बस उनको कोशिश करता हूँ कि उनकी कंसिस्टेंसी देखता हूँ. जैसे बाबर आजम को देखता हूँ वो हर मैच में रन करते हैं, तो मेरा भी यही फोकस होता है कि जितने मैचेस मिले हैं उनमें मैंने रन स्कोर करना. बिल्कुल यही, जब हमें 82 रन की लीड मिली हुई थी और हम कोई मैच नहीं जीते हुए तो हमने मैच जीतने की तरफ जाना था, तो इंस्ट्रक्शन यही थी कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है आपने, थोड़ा सा तेज़ चलना है ताकि हम एक अच्छा टोटल सेट करके उनको दोबारा बैटिंग लें. बिल्कुल, फिज़ान भाई की भी अच्छी फॉर्म चल रही है. फिज़ान भाई के साथ मैंने लास्ट पार्टनरशिप भी लगाई है, फिज़ान भाई भी अच्छा खेलते हैं. ऊपर हमारे 3 आउट हो गए थे, फिज़ान भाई ने बहुत अच्छा खेला. सिंध ने ट्राई तो की उनको आउट करने के, लेकिन फिज़ान भाई आउटस्टैंडिंग खेले. जी आसिफ, फिज़ान आपकी टीम में कोई इतने बड़े नाम मौजूद नहीं है, फिर क्या वजह है कि आपकी टीम इतना अच्छी तरह से परफॉर्म करती है, क्या इश्यूज हैं, किस तरह आपको कोच आपकी गाइड? एक्चुअली हमारा ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बहुत अच्छा है, हमें वसीम भाई टोटली हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, हर तरह की कंडीशंस समझाते हैं कि किस कंडीशन में कैसे खेलना है, तो बस जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिलती हैं हम वही फॉलो करते हैं. बिल्कुल, जैसे हमारा ये 7वां मैच है, हम कोई भी मैच नहीं जीते, तो हमें तो कोई भी एक स्टेप चाहिए था, पुश चाहिए था जहाँ से हम फ्लाई करें. इंशाल्लाह हम अगले 3 मैचेस भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे. पिच बहुत अच्छा था, इवन बैटिंग बॉलिंग बहुत सपोर्टिंग था. बॉलर अगर अच्छे बॉल कर रहे थे तो उनको रिजल्ट मिल रहा था. जैसे अभी हमने अच्छा रन किया, हमने दोनों इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की और सिंध को डोमिनेट किया. बॉलर्स पे डिपेंड कर रहा था, बॉलर्स को एफर्ट करनी पड़ रही थी, बैट्समैन भी एफर्ट करके रन हो रहे थे. पिच बहुत अच्छा था. थैंक यू.